हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ये एस्टर का प्लांट है और देखिए इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। बहुत सुंदर और डेलिकेट इसका फ्लावर होता है, बहुत सुंदर फूल, और बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं आप। और ये सॉइल में लगा हुआ है और बहुत छोटा सा देखिए प्लांट है और इसने फूल देने शुरू कर दिए हैं। आप बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं इसको। अक्टूबर के महीने में नर्सरी से ले आइए या फिर कहीं से पिछले साल का फूल वगैरह मिल जाए तो वो उससे भी लगाया जा सकता है। नॉर्मल जैसे आप पेड़ लगाते हैं पौधे, उस तरीके से ये भी लग जाता है। बस क्या करना है कि जो आप इसमें सॉइल ले, गार्डन सॉइल ले, नॉर्मल गार्डन सॉइल ले ले, 30% कर दें और 30% काउ डंग कर दें और 40% कोकोपीट ले लें या रेत ले लें, रिवर सैंड वो मिला दें और बस प्लांट कर दें। फुल सन चाहिए इसको सर्दियों में, कम से कम 6 घंटे की धूप, और ये आराम से चलता रहेगा। ये देखिए इसकी सॉइल है और बेसिकली इसको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और ये उसमें बढ़ रहा है। ये इसके बगल में है, थोड़ा बड़ा है, अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई है, लेकिन आप किसी भी नर्सरी में जाके, अब तो मान लीजिए थोड़ा सा सीजन आउट हो रहा है, लेकिन बट अभी भी अगर लगा लेते हैं इसको तो कुछ दिन बाद इसमें महीने भर में ही फ्लावरिंग होने लगेगी और ये मार्च तक आराम से होती रहेगी। बहुत सुंदर फूल होते हैं, बहुत सारे कलर्स में आते हैं, तो आप इसको लगाइए और अपने गार्डन को बहुत सुंदर करिए। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और फिर देखिए मैं दूसरी अपडेट दूंगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।